परिचय प्रेजेंटेड बाय चांद मल्टीमीडिया एंड माँ उग्रतारा नेटवर्क। चांद मल्टीमीडिया नियर तिवारी गेस्ट हाउस राजा मार्केट फ्रंट का रोड डड़वा झारखंड। हमारा संपर्क नंबर है 9334978383। गढ़वा जिले के सदर अस्पताल के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्री नंद किशोर रजक जी ऐसे शख्सियत हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 33 सालों से लगातार वो एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के तौर पर अपनी सेवाएं गढ़वा और आसपास के प्रमंडल जिलों में देते आ रहे हैं। गढ़वा एक ऐसा जिला है जिससे आसपास के राज्यों के लोग भी आते हैं और गढ़वा के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में उन्होंने हॉस्पिटल की सूरत को कितना बदला है, क्या चुनौतियां रही उनके सामने, जनता का कितना सहयोग मिला और स्वयं उनके जीवन यात्रा में कितने संघर्ष आए, ऐसे ही दिलचस्प और जरूरी किस्सों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद, आपको भी स्वागत। डॉक्टर साहब, गढ़वा एक विकासशील जिला है, मैं कहूँगी 20 साल हो गए जिला बने हुए। गढ़वावासी आपसे बहुत ही संतुष्ट और खुश हैं क्योंकि जब आप यहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ के तौर पर आए थे तब यहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ की बहुत कमी थी और लोग रांची या बिहार जाया करते थे इलाज के लिए, संसाधनों की भी कमी थी। फिर भी आपने इस क्षेत्र को चुना, यहाँ आए, खुद को स्थापित किया, जनता का और मरीजों का भरोसा जीता। कैसे आपने शुरुआत की यहाँ पर? जी, जब मैं 1988 में 16 मार्च को यहाँ योगदान किया जी गढ़वा प्रखंड में जी, तो उस समय सदर अस्पताल नहीं था, ये अनुमंडलीय अस्पताल था जी। और हम लोग प्रैक्टिस शुरू किए, इसलिए प्रैक्टिस शुरू किए कि हम लोग की प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है जी। तो हम हड्डी रोग विशेषज्ञ थे और वो धीरे धीरे शुरू किए, चूँकि यहाँ कोई हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं था तो मेरा डिप्यूटेशन हो गया सर अस्पताल में, ये अनुमंडल अस्पताल में ही। तो हम यहाँ भी काम करते थे और अपना प्रखंड में भी हम प्रभारी के रूप में काम करते थे, और करते करते लोगों का जो काम यहाँ है, लोगों का हड्डी का टूटने का जो रफ्तार था, उस हिसाब से मेरी प्रैक्टिस करीब करीब अच्छी हो गई जी। और सरकार के किसी कारणवश, मतलब उस हम लोग के बैच का 12-12.5 साल तक जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तब तक हमारी पहचान बन चुकी थी। और 12.5 साल के बाद जो है वो PIL हुआ, जिसके चलते मेरा ट्रांसफ़र हुआ वो यहाँ से ही बगल के प्रखंड जो है विश्रामपुर पलामू ज़िला में। और 1991 में गढ़वा ज़िला भी अलग हो गया यहाँ से। तो विश्रामपुर में भी यहाँ रहते हुए भी और विश्रामपुर में भी काम हमने 4.5 साल काम किया। उसके बाद वहाँ भी दिक्कत हुआ, वहाँ अस्पताल का चार दीवारी में हम लोग जब नापी कराए तो वो सबका घर कट रहा था क्योंकि इंक्रोचमेंट था। फिर मेरा काम वो सफल नहीं हो पाया, वहाँ से हम वापस आ गए। और जब फिर मेरा सस्पेंशन टूट गया, क्योंकि मेरा दोस्त कुछ नहीं था उसमें, तो टूट गया। तो फिर वापस गढ़वा आए तो हम लोग जिला, हम आ गए जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी RCS अफसर के रूप में। तो उस समय गढ़वा के जो बच्चों की सुई का दर था 9% तरह, अच्छा। जो फुल इमुनाइजेशन था 9% था जी। और हमने पूरा उस जिले के लिए चुके हो गए थे, तो पूरा जिला घूम घूम करके फिर यहाँ से NM को ट्रेनिंग दे करके ट्रेंड करके हमने शुरू किया। और आज की स्थिति ये है कि हम लोग 97-98% पर रहते हैं जो यहाँ के बच्चों का पूर्ण प्रतिशत। ये बहुत बड़ी बात है, 9% से बढ़ा करके अपने 98% तक ले आया है। उसके बाद किसी कारणवश जो मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया पलामू जिला में सदर अस्पताल, वहाँ 1 साल रहे, वहाँ से फिर हम वापस आए गढ़वा में, फिर RCS अफसर के रूप में फिर आगे काम बढ़ाए। 1 साल में ही फिर मेरा स्पेशलिस्ट के पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया लातेहार जिला में सदर अस्पताल। तो वहाँ भी हड्डी का काम बहुत हम काम किए, लोग जानते थे भी, वहाँ के DC भी हमको मानते थे कि यहाँ देखिए काम हड्डी का शुरू हो गया। 2 साल काम करने के बाद फिर वहाँ मारपीट हो गया इसे पब्लिक से,
तो हम कोई डॉक्टर से मारपीट हुआ, हम छुड़ाने गए तो हम पर भी भिड़ गए। तो मेरा वहाँ से मन जो है ये उचट गया कि जो है मन दुखी हो गया। हाँ, इतनी जनता की सेवा करने के बाद भी ऐसे काम करते हुए क्यों हम वहाँ रहे। तो हम फिर ट्रांसफर कराने के लिए आवेदन दिए। हम बोले कि जब हम कोई जिम्मेवारी वाला पोस्ट नहीं लेंगे, हम मेडिकल अफसर में आप कराएंगे तो हम कराएंगे। तो हम यहाँ मेडिकल अफसर के रूप में फिर दोबारा आए तो आरसीएस का काम यहाँ फिर जो से हम आगे बढ़ाए थे, जो बच्चों का सुई देने वाला, माँ का सुई देने वाला जी। तो वो काम फिर हमको जिम्मेवारी स्टेट से मिल गया कि नहीं वो काम आपको करना है। बच्चों के अच्छा काम हुआ था इसलिए फिर वह काम करते हुए कर ही रहे थे कि हमारे जो उपायुक्त महोदय आप समय आ गई यहाँ डॉक्टर नेहा रोड़ा। तो उस समय अस्पताल की स्थिति बहुत ही खराब था जी, संसाधनों की बहुत कमी थी। हाँ, तो उनको लगा या उनको रिव्यू किया तो बोला कि यही एक शख्स हैं जो अस्पताल को सुधार सकते हैं। तो उन्होंने सुबह सुबह हमको बुलाई कि जो है आप आरसीएस में रह कर क्या काम करते हैं। हमने सारा काम जब किए तो बोला कि एक मेरा काम करना है जो हम आपको दे रहे हैं। तो हम कहे क्या मैडम, आप करें काम सारा कुछ होगा तो बोला कि डीएस का काम आपको, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है अस्पताल का काम करना है। हम माफ़ी भी मांगे, मैडम हमको छोड़ दीजिए, वहाँ डीएस का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। तो मैडम आश्वासन दी कि आपके लिए टेलीफोन मेरा 24 घंटा खुला रहेगा, आप काम करिए, परेशानी होगा तो हम देख लेंगे। फिर हमको अकस्मात 24 घंटा में हमको डीएस का भी प्रभार लेना, ये आरसीएस का काम देखते हुए भी डीएस का प्रभार लेना पड़ा है। तब हमने डिमांड रख दी कि ये अस्पताल में बाउंड्री वॉल नहीं है, पार्क नहीं है, लाइट जो है 24 घंटा नहीं रहता, इसके लिए हमको जनरेटर दीजिए। जितना यहाँ कमियाँ थी, हम कंप्यूटराइज वो सेंटर खोलना चाह रहे हैं, तो ये सारे बात वो मान गई और वो सोलर के लिए हमको अप्लाई करवा दिए, जो अब आज आपको 24 घंटा बिजली मिल रही है। वहाँ बाउंड्री वॉल 10-15 दिन में ही उसको उद्घाटन कर दिए और पार्क भी बनवाने का यहाँ सब कुछ ऑर्डर दिए। और जो इतना गड्ढा उड्ढा था उधर, मतलब अस्पताल का अपने कायाकल्प कर दिया, वो गड्ढा उड्ढा भी भरने का काम और वो पार्किंग एरिया पार्क बनाना ये सारा काम जो है, चूँकि सपोर्ट हमारे डीसी मैडम का था, प्रशासन का पूरा सपोर्ट था, वो 9 बजे से हम हाजिरी करना शुरू किए और मैडम भी मजिस्ट्रेट को यहाँ भेजना शुरू किए रोज। ये दोनों का सहयोग से जो है ना डॉक्टरों की उपस्थिति बढ़ी, मरीजों की संख्या बढ़ी, हम कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन खोल दिए यहाँ। उसके बाद से जो और भी चीज जरूरत पड़ा, डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी वगैरह का, वो इम्प्रूव करवाया हम लोग। अल्ट्रासोनोग्राम जो नहीं चल रहा था ठीक से, वो चालू हो गया जी। लेबर रूम ठीक से नहीं चल रहा था, वो शुरू हो गया। सिजेरियन नहीं के बराबर होता था, वो चलने लगा कि वो कम से कम 10-12 से, अभी तो हम लोग 50-60 पहुँच गए। डिलीवरी भी जो समय 100-200 होता था, वो 450-500 होने लगा। तो डॉक्टर साहब, ये तो हो गया, आपने कैसे गढ़वा में अस्पताल को अच्छा स्तरीय बनाया और सुविधा लगा। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आप कैसे मेडिकल फील्ड में आए, हड्डी रोग विशेषज्ञ बने, कहाँ आपका जन्म स्थल जीवनी, थोड़ा सा 2 मिनट में उसको भी चर्चा कर दें। देखिए, मैं भागलपुर के सुल्तानगंज में एक गाँव है पैन जी, जो बहुत ही ग्रामीण इलाका है जी, और वहाँ मेरा पैदा हुआ और वहीं से हम मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की और 1973 में हम मैट्रिक पास किए और वहाँ TNV कॉलेज में 2 साल के लिए हम पढ़े ISC। और बिना कोई कोचिंग किए हुए हमने, कि हमको पढ़ने का मन नहीं था मेडिकल, हमको इंजीनियरिंग साइड में जाना था, लेकिन उस समय की स्थिति ये थी कि हमको वो मेडिसिन में, ये इसमें मेडिसिन कहते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स में एडमिशन नहीं हुआ, तब पर फोर्सफुल बायोलॉजी में एडमिशन लेना पड़ा। तो ये भी एक फाक है हमारे लिए, टर्निंग पॉइंट है। तो हम वो अपना विभाग चेंज किए कि जो बायोलॉजी में एडमिशन लिए और घर से ही पढ़ाई करते थे और आना जाना, क्योंकि उस समय 1975 में राइट टाइम गाड़ी चलती थी जो इमरजेंसी लागू था, तो घर से ही आना जाना करते थे, जो हमारे 15 किलोमीटर दूर है हम लोग घर से भागलपुर। तो घर से ही पढ़ाई शुरू की और तो हमारी एक मौसेरी बहन थी जो भी हमारे साथ ही पढ़ती थी, तो वो लेकिन हमारे एक क्लास ऊपर थी, तो वो बोला कि मेडिकल का तुम टेस्ट दो ना, हम भी देते हैं।
तो हम भी उसके साथ में मेडिकल का जो है टेस्ट दे दिए, वो केवल किताब लेकर के, और वो नहीं कम्प्लीट करवाए और हम कम्प्लीट कर गए। अच्छा। लेकिन हम बोले कि हमको पैसा कहाँ से लाएंगे उतना हम पढ़ने के लिए। बोला वो हो जाएगा ना, चलो पहले तो, चूँकि वो मसेरी बान वो मसा जी मेरे इनकम टैक्स कमिश्नर थे, तो इसलिए उनका भी सपोर्ट हमको था। फिर भागलपुर मेडिकल, जब मेरा एडमिशन पटना मेडिकल कॉलेज में हो रहा था, लेकिन हम चूँकि गरीब आदमी रहते हुए कि गांव से नज़दीक में रहेंगे तो कम पैसा खर्चा होगा, इसलिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज में नाम लिखाया और वहाँ से MBBS हम 1983 में किए। 83 में करने के बाद हम लोग का 2 साल का हाउसमैनशिप होता है। हाउसमैनशिप करने के बाद फिर आया कि वो विभाग में जाने का रहता है, तो वो विभाग में जाने के लिए हाउसमैनशिप में सर्जरी में नहीं मिला हमको, हड्डी में मिल गया। हड्डी में मिलने के बाद यहाँ भी चुनौतीपूर्ण था कि पूरे राज्य में 15 का ही एडमिशन सीट था। अच्छा। जिसमें SC ST के लिए कि मात्र 2 था, SC ST के लिए मात्र, मतलब SC के लिए 2 और ST के लिए 1 था, तो 2 सीट के लिए मतलब हमको लड़ाई लड़नी थी। तो हमको लगा कि पता नहीं क्या अब 2 सीट में होगा कि नहीं होगा, इतना बड़ा पूरा बिहार झारखंड उसमें 1 था। फिर भी हमने दिया, कंपटीशन दिया, तो मेरा 3रा नंबर पर आया। तो 3रा नंबर पर आया तो सोचे कि अब 3रा नंबर में तो डिप्लोमा करना पड़ेगा, डिग्री नहीं मिलेगा। तो उस समय भी मेरा टर्निंग पॉइंट क्या हुआ कि जो 1 नंबर में थे वो गलत सर्टिफिकेट दे करके रिजर्वेशन पर आए थे, तो वो छट गए। तो मेरा जो है मतलब ईश्वर ने तय करके रखा था कि आपको डॉक्टर बना के रहेंगे, तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट था वहाँ की जो हम MS में सीधे मेरा एडमिशन हुआ जी। और 2 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ तो मेरा अपॉइंटमेंट यहाँ पलामू में हो गया। तो मेरे बॉस बोले भी, और मेरा अपॉइंटमेंट इसमें भी नियुक्ति हुआ था कोल इंडिया में, लेकिन मेरा जो बॉस थे डॉक्टर RR गांगुली, जो कि मतलब वो साउथ बिहार मतलब नॉर्थ बिहार के फेमस हेडिक डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा बेटा तुम अगर कोल इंडिया में गया तो तुम्हारा हाथ बर्बाद हो जाएगा, तुम क्यों जा रहे हो वहाँ, बाहर सरकार में ज्वाइन करो, बिहार नहीं बोलते थे, बोले बाहर सरकार में ज्वाइन करो, यहाँ प्रैक्टिस करो, तुम्हारा हाथ साफ रहेगा। तो इसी कारण से हम जब पोस्टिंग हुआ तो बोला कि तुमको काला पानी मिल गया पलामू, अब जाओ तुम यहाँ से। तो पलामू में हम योगदान करने आए, तो उस समय 7 दिन रह गए वहीं पलामू में, और वहाँ SC जलजा उसमें कमेटी बना था कि SC जलजा रहेंगे DC, एक सिविल सर्जन और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर। तो वो बोले कि जो है पहले पोस्टिंग कर दिया, मेरा छतरपुर हो गया था वहाँ, फिर जो है जलजा को लगा कि नहीं इसमें घपला हुआ है, हम अपने इंटरव्यू से करेंगे। तो उन्होंने अपना इंटरव्यू लिया, हम अपना तब तक च्वाइस हम पता कर लिए थे कहाँ कहाँ एक्सरे है, कहा कि मेरा बिना एक्सरे का काम चलेगा नहीं। तो हम गढ़वा च्वाइस दिए, डाल्टनगंज च्वाइस दिए और चंदवा च्वाइस दिए कि रांची से नज़दीक रहेगा, माँ ससुराल जाने में नज़दीक रहेगा। तो मेरा पोस्टिंग गढ़वा कर दिया। गढ़वा में आए तो यहीं जो जो क्लिनिक अभी मेरा है वो आगे में वो जगह मिला, और उसी में 1 रूम में 200 रुपया में हमको मिला, और जिस दिन हम खोले उसको उसी दिन से मेरा वो 1 महीने का भाड़ा मिल गया। अच्छा, मरीज आने लगा। तो हमको लगा कि लगता है कि जगह ठीक सही जगह पर है। चलिए, डॉक्टर साहब से बातें होती रही और उन्होंने बताया कि पढ़ाई के दौरान से ही उनके ज़िंदगी में चुनौतियां आनी शुरू हो गई थी, जो कि काम करने के दौरान भी जारी रही, और संघर्ष का ये दौर 33 साल तक चला है। तो हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चांद मल्टीमीडिया एक कंप्लीट ऑडियो वीडियो सॉल्यूशन सेंटर, HD वीडियोग्राफी, स्टील फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मिक्सिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो प्रचार, एल्बम फिल्म एंड ऑडियो वीडियो से जुड़ी सभी तरह के कार्य किए जाते हैं। चांद मल्टीमीडिया नियर तिवारी गेस्ट हाउस, राजा मार्केट, फ्रंटा रोड, गढ़वा, झारखंड। हमारा संपर्क नंबर है 9347838। ब्रेक के पहले हम जान चुके थे कि डॉक्टर रजक इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन तकदीर ने उन्हें डॉक्टर बना दिया।
गढ़वा आकर उन्होंने गढ़वा की तस्वीर भी बदली, तकदीर भी बदली और गढ़वा के लोगों की हड्डियां भी जोड़ी। आइए अभी अगला सवाल इनसे हम कर लेते हैं कि डॉक्टर साहब, अभी कोरोना की जो चुनौती आई थी तो गढ़वा जिले और आसपास के क्षेत्रों में को आपने कैसे संभाला? रेड जोन में भी था आसपास का कुछ क्षेत्र? देखिए, गढ़वा जब कोरोना शुरू हुआ तो गढ़वा में शुरू में कोरोना नहीं आया, फिर भी हम लोग की तैयारी थी, चूँकि हम सिविल सर्जन थे, उससे हमारे एडमिट ड्यूटी कमिश्नर थे श्री हर्ष मंगला जी, तो ये चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हर्ष मंगला जी भी उतने एक्टिव थे, जो कि हम लोग दोनों विचार करके एक प्लान कर लिए थे कि जैसे भी आएगा तो हम लोग पूरा टीम तैयार कर लिए थे कि, तो यहाँ उस समय चुनौती था कि हम लोग पास डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में करना था, तो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में हमारे पास नहीं था जगह, तो बोला कोई प्राइवेट देखो, तो प्राइवेट जो है मेराल में वो ज्योति नर्सिंग हॉस्पिटल था उसको, तो वो उससे बात की तो बोला कि हम लोग शहर में दे देंगे फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट लिख के भी दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम लोग गए और डी सी साहब भी गए, तो उसमें सारे प्रशासन भी गए, देख करके हुआ कि ठीक है, हम लोग 40 बेडेड हो जाएगा, बाकी उसमें कोविड केयर सेंटर करने के लिए हम लोग हाई स्कूल और ये सब चीज़ सारी चीज़ें हम लोग तैयार कर लिए थे। तब हाई स्कूल में उतना बेड कहाँ से आएंगे, तो तुरंत जो है टेंडर निकाल करके हम लोग वो जो है फोल्डिंग कॉट खरीद के भी रखे थे उस समय 200। 1 अप्रैल को पहला जो है आपका यही पठान फोल्डिंग मोहल्ला में आपका एक पॉजिटिव हुआ, जो असद नाम का लड़का था। सबसे चुनौतीपूर्ण था कि उसको किडनी का बीमारी और उसका ऑपरेशन कराया, तो उसको पॉजिटिव हुआ, और कोरोना काल में उस समय हम लोग भी दहशत में थे, क्योंकि उस समय ज़्यादा मर भी रहा था, तो हम लोग को लगा कि जो है वो असद तो नहीं बचेगा, नहीं, क्योंकि उसको किडनी का ऑपरेशन हुआ, उसमें पाइप लगा हुआ है, तो हम लोग उसको रात में पॉजिटिव हुआ, इमरजेंसी मीटिंग हुआ हम लोग का, इमरजेंसी मीटिंग होने के बाद सारे प्रशासन और हम लोग जो है उनको लेने गए वहाँ, उस समय जो है पीपीई पहन करके, जबकि हमको भी पहनने नहीं आ रहा था, तो सब लोग पहन करके वहाँ गए, और वहाँ पूरा वो पठान टोली पूरा छावनी में हो गया उनको, क्योंकि उसमें लग रहा था कहीं भी रिएक्शन हो, पब्लिक का रिएक्शन हो, उनको पकड़ के लाए हम लोग, भर्ती किए वहाँ जा करके मराल में, फिर उनका उस समय था कि सिस्टम था कि परिवार को भी आइसोलेट कर लेना है, तो परिवार के लोग रात में 11 आदमी मिले, फिर सुबह में पता चला कि 11 आदमी और है, सबको आकर के यहाँ हॉस्पिटल में जमा के लेडीज जेंट्स को। अब उस समय लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन हम लोग का जांच प्रक्रिया ज़्यादा बढ़ गया, स्टेट से भी करने लगा, तो जांच करते 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 वो लड़का का फिर भतीजा था या भाई था छोटा छोटा, वो पॉजिटिव हुआ तीनों, और सब बाकी परिवार नहीं हुआ पॉजिटिव, वो तीनों सब खुशी से 15-20 दिन में जो है वो निगेटिव हो गया, उसके बाद कोई मरीज नहीं, यहाँ से ढोल बजा करके उन लोग को विदा किया गया, लेकिन पता चला कि अब सब लोग ढोल बजा इतना बजाया कि कोरोना फ्री हो गया गढ़वा। हम कहेंगे तो कोरोना फ्री कैसे हुआ, ये निगेटिव हो गए, बीमारी तो अभी है ही। और उसके बाद जो आना शुरू हुआ 10 को 15 को 20 को, एक समय में तो ऐसा आया कि एक दिन में 129 केस आ गया, और जिस दिन 20 केस आया था नगर में था लोग, हम लोग रात भर जग गए, यहाँ से डिस्टर्ब बोले कि नहीं रात में ही उसको शिफ्ट करना है, हम लोग सब लोग गए, प्रशासन गया, एसडीओ उधर से सब लोग उनको ला करके, खैर वो वहाँ था कि जेल में ही भर्ती था ऊपर नया वाला जेल में, तो वहाँ से हम लोग ला करके 6 बजे सुबह तक वो अस्पताल में भर्ती करा। उसके बाद हम लोग बेड का भी कमी होने लगा, तो उस समय हम लोग फिर आया नया गाइडलाइन कि नहीं जो अस्पताल को भी बढ़ाना है, इस अस्पताल को भी डेवलप किए हम लोग, वहाँ आगे भी डेवलप किए, सब सारे जितना सीएससी सब जगह डेवलप किए, नया अस्पताल में करवी बनाए, हम यहाँ पिस्का भी देख लिए थे, यहाँ मेढ़ना भी देख लिए थे, सब जगह हम लोग तैयार हो गए, और 200 और हम लोग कॉट खरीद लिए, उनका सहयोग मतलब डिस्चार्ज का सहयोग पूरा था, सब खरीद लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह खरीद लिए। तब हुआ कि नहीं आईसीयू बेड बनाना है, तो आईसीयू बेड के लिए फंड दिया वहाँ से स्टेट से, तो हम लोग जो है इसी अस्पताल को चारों तरफ से घेर उर करके सब बाथरूम वगैरह उसका ठीक करवाया, उसमें जो है आईसीयू बेड बनाए, ऑक्सीजन पाइपलाइन लगवाए, पाइपलाइन लगवाने के बाद फिर जैसे ही पाइपलाइन लगाए तो हम लोग को अलॉट हो गया कि जो है
19 को आपको वेंटिलेटर दे रहे हैं, तो वो सारा 19 को वेंटिलेटर लग गया। उसके बाद धीरे धीरे केस खत्म होता गया, हम लोग का जितने भी डॉक्टर चिकित्सक सारे एक्टिव रहे, और कुछ लोग नहीं करते थे लेकिन यहाँ डर भय था कि इसमें एपिडेमिक में अगर एक तरह से मुकदमा हो जाएगा तो वो चिकित्सक को ये हो जाएंगे, इसलिए डर से सारे चिकित्सक भी स्टाफ भी हमारा काम किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम सब स्टाफ और चिकित्सक इवन जो है आपका सफाई कर्मी, जो कि एक चैलेंज है कि वहाँ कोविड में कोई घुसना ही चाहता था, दो चार को ऐसा सफाई कर्मी उनको मिल गया, हम भले कि उसको एक्स्ट्रा पैसा दिए लेकिन घुस गया कि पूरा पीपी पहन करके पूरा सफाई करने लगा। और सर यहाँ पे स्क्रीनिंग भी की जा रही थी, एक्सरे सेंटर जो है वहाँ कोरोना मरीजों की जांच भी की जा रही थी, उसके बाद पूरा सैनिटेशन किया जा रहा था। मैं तब भी देख रही थी कि पीपी किट पहन करके ही लोग पूरा सैनिटेशन भी कर रहे थे, तो पूरा साफ सफाई का भी पूरा व्यवस्था रखा गया कि कोई और लोग संक्रमित ना हो। तो आपने कोरोना काल में पूरा गढ़वा और आसपास के लोगों को सही से मतलब प्रशासन के सहयोग से ही सही से आपने हैंडल कर लिया है। और सर मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि अभी आप गढ़वा के इस अस्पताल में और आपकी क्या योजनाएं थी जो आपको लगता है ये सुविधा और आप देना चाहते थे या ये मशीनें लाना चाहते थे, क्योंकि अभी भी बहुत उन्नत नहीं हुआ है ये अस्पताल, बहुत सारी कमियाँ हैं। देखिए अभी हम लोग आपको ये बात मालूम नहीं है, ये स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है जो 117 जिला है पूरे इंडिया में, उसमें गढ़वा भी एक है जो झारखंड में 19 जिला है। तो उसमें एक बार हम लोग सितंबर अक्टूबर में सेकंड आए जी, तो सेकंड आने पर भारत सरकार 5 करोड़ रुपया अलॉट करता है जी। तो उसमें अभी वो पैसा आ गया 4.80 करोड़ रुपया आ गया, और फिर अभी पिछले महीना में हम लोग 6th पोजिशन आए तो 3 करोड़ और मिला, तो 4.80 लाख रुपये का हम लोग प्रोजेक्ट बना के दे चुके हैं। उसमें है कि पूरे अस्पताल को हम लोग ऑक्सीजन पाइपलाइन से जोड़ेंगे और एक ऑक्सीजन जनरेटर खरीद रहे हैं, जो ऑक्सीजन मास कहीं बाहर से खरीदेंगे नहीं, हमारा वो जनरेटर चलाएंगे, वो ऑक्सीजन जनरेट करेगा और हर मरीज को ऑक्सीजन जब चाहेगा तब लगा लेगा, जो स्टाफ की सिलेंडर लाओ ही लाओ खोलो वो सब उत्सव का झंझट नहीं रहेगा। इसके अलावा है कि 2 एम्बुलेंस है उसमें, जो गढ़वा अस्पताल में एम्बुलेंस की कमी है क्योंकि 108 एम्बुलेंस है। इसके अलावा उसमें है कि 3 को अल्ट्रासोनोग्राम मशीन है, आपका इंसिनेटर है जो वेस्ट जितना का कूड़ा कचरा है जो हम लोग बाहर फेंकने जाते हैं, वो मशीन अगर लग जाएगा यहाँ तो हम लोग यहीं जला देंगे, और जब बच जाएगा टाइम तो बाहर के कचरा भी जला सकते हैं हम लोग, वो भी उसमें प्रोग्राम में सारे हाँ वो हम लोग प्रोजेक्ट बना कर दे देंगे, भले हम नहीं कर पाएंगे लेकिन वो दे देंगे। और सभी CSC में वो आपका जनरेटर में जो चाहिए बिजली का अल्टरनेटिव व्यवस्था वो सब सब उसमें है। इसके अलावा बहुत कुछ है जो ये ऑपरेशन थिएटर का रिनोवेट करना है, लेबर रूम में जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है जो कि ब्लीडिंग हो जाता है मरीज का वो लगवाने का है, तो इसमें बहुत सारे हैं जिससे 4.80 लाख का तभी हम लोग प्रोजेक्ट बना करके दे दिए हैं, अभी मीटिंग कल कर लिए हैं, मतलब जाते जाते हम देख के जाएंगे सब चीज़। और सर ये ट्रॉली जो होता है मरीजों को ले जाने के लिए, तो उसकी सुविधा नहीं है, कोई है नहीं वार्ड बॉय लोग, मैं अक्सर देखती हूँ कि मरीज के संबंधी ही स्ट्रेचर पर लाद करके मरीज को ले जा रहे हैं, मरीज को भले ही यूनिट लगा हुआ है तो स्ट्रेचर ले जाने के लिए या वार्ड बॉय सबकी सुविधा बात है कि जो ये आपका डॉक्टर का पोस्ट सेंक्शन कर दिया सदस्यता बनने के बाद, लेकिन स्टाफ का पोस्ट सेंक्शन नहीं किया, तो एक अल्टरनेटिव व्यवस्था दिया कि आउटसोर्सिंग से उसको बहाली करके करिए, तो हम लोग पहले से कर रहे थे, लेकिन पिछले बार क्या हुआ कि ज़्यादा आदमी हो गया, सरकार बोला कि इतना पैसा खर्च हो रहा है आपको गढ़वा में, क्यों नहीं आपके वेतन से रिकवरी किया जाए। तो हमने लिखा है वहाँ सरकार को कि हमको अच्छा अस्पताल चलाने के लिए आउटसोर्सिंग का स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, तो वो जैसे ही आ जाता तो वो करेंगे, लेकिन तत्काल अभी दोनों जो पिछले वाला एजेंसी था कि सफाई कर्मी दोनों मिल एक ही आदमी का था, इसलिए सफाई कर्मी वाला ही वो कर रहा था, लेकिन अभी फिलहाल दोनों को दो पार्ट हो गया, सफाई कर्मी वाला अलग किया और मैन पावर वाला अलग। इतनी सारी चीज़ें करनी बाकी है आपको, लेकिन फिर आपके रिटायरमेंट का समय भी करीब आ गया है, इतनी योजनाएं आपने बनाई हैं,
क्या क्या अभी टारगेट आप रख के चले हैं, और अभी आप जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले कि 18 दिन और बाकी है। मेरा पॉजिटिव व्यू रहता है क्योंकि गढ़वा में हम घर भी बना लिए हैं, आपको नहीं मालूम होगा तो बता रहे हैं, घर बना लिए हैं, तो मेरा रहने का तो यही है इरादा। तो गढ़वा को डेवलप करने के लिए जितना जी जान लगाना था वो लगा दिए। अभी मेरा SNCU जो बच्चे का वार्ड है, स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट, वो बन के तैयार है। उसके उद्घाटन के लिए हम आज बात भी कर लिए हैं कि मंत्री जिस दिन आएंगे उसको उद्घाटन कर देंगे। जो बच्चा जो मशीन में रहता है इंक्यूबेटर में या रेडिएंट वार्मर में, वो सारा मशीन सब आ गया है। जो बच्चा बाहर में आप 100,000 रुपये रोज़ दे करके रखते हैं, यहाँ वो यूनिट तैयार हो चुका है। वो हम मतलब उद्घाटन करके जाएंगे अगर मंत्री जी चाहें तो, क्योंकि हम वो सब चीज़ तैयार है। उसमें सारा स्टाफ का ट्रेनिंग भी अब हो जाएगा, डॉक्टर उसमें हम डिप्यूट कर लिए हैं, बच्चे के डॉक्टर को तैयार कर लिए, तो वो भी एक तब तक करके जा रहे हैं। बाकी ये परंपरा है कि 65 साल की उम्र के बाद जो है रिटायर करना ही है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। अब क्या सर आगे क्या आपने सोचा है रिटायरमेंट के बाद? ठीक है, इस पद से आप जा रहे हैं, लेकिन इस शहर में ही है, शहर में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। शहर में आपको एक और बात बता दें कि हम 1994 से यहाँ लायंस क्लब गढ़वा विशाल से जुड़े हुए हैं, और गढ़वा विशाल में भी हम प्रेसिडेंट रहे और जो है कैबिनेट सेक्रेटरी तक गए पोस्ट में, जिसमें भी बहुत सारा अवार्ड हमको मिला है। तो ये हम लोग वहाँ बहुत काम कर रहे हैं, अभी भले हमको टाइम नहीं है तो हम उसमें काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा तो समाज के प्रति यहाँ काम करने का बहुत सारा स्कोप है, ऐसा नहीं कि हम आराम से रहने वाले हैं। यहाँ से जाएंगे हम क्लिनिक फिर स्टार्ट करेंगे जो बंद कर दिए, अपना निजी प्रैक्टिस करते रहेंगे। हाँ, निजी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, बंद कर दिए। नहीं, जब से हम DS बने क्लिनिक प्रैक्टिस कर रहे थे और सिविल सर्जन में तो एकदम बंद कर दिए हैं, तो वो हम शुरू करेंगे। इसके अलावा हमारा जो है वो सोशल सर्विस है, वो सोशल सर्विस चलते रहेगा, सोशल सर्विस चलते रहेगा और निजी प्रैक्टिस अपना फिर से शुरू करेंगे। मतलब गढ़वा और आसपास के क्षेत्रों के जनता को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल में नहीं तो निजी अस्पताल में ज़रूर मिलेंगे। सर इतना लंबा संघर्ष भी रहा, छात्र जीवन में भी संघर्ष किया आपने, फिर एक डॉक्टर के रूप में और यहाँ इस अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में अस्पताल को सजाया संवारा, डॉक्टरों का सहयोग लिया, गढ़वा की जनता से सहयोग कितना मिला? प्रशासन का आपने पूरा सहयोग बतलाया, DC वगैरह का सहयोग मिला, जनता को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जनता का भी जब सभी सुविधाएं मिलने लगी यहाँ, तो जनता का भी सुविधा मतलब जनता भी हमको सपोर्ट करने लगी। इसमें जितने भी NGO हैं या और कुछ लोग हैं, पूरा सपोर्ट मिलने लगा कि नहीं नहीं इतना काम हो रहा है, इतना देखने के लिए, इसलिए किसी प्रकार का प्राय यहाँ हल्ला नहीं हुआ। तो हम यहाँ की जनता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो है मेरे ऐसे आदमी को आप सहयोग किए और आप हम सेवा आप ही के चलते यहाँ करना पड़ा, और हमको आत्मसंतुष्टि है कि हमने इतना काम कर पाए, इसलिए हम यहाँ जनता के यहाँ की जनता को भी धन्यवाद। जनता के दिलों में अपने जगह बना लिए। सर एक मैसेज और दीजिए, जैसे आपने कहा ग्रामीण क्षेत्र से थे, पैसे की कमी थी, तो दूसरे जो छात्र हैं जो निराश होते हैं, जैसे आप टैलेंटेड थे लेकिन पैसा नहीं था, रिमोट एरिया में आप रहते थे, तो ऐसे बहुत से छात्र हैं जो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन ग्रामीण परिवेश में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात है कि अगर इच्छा शक्ति है और अपने को ठान लिया है तो वो काम कर लेगा। रिसोर्सेस कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, रिसोर्सेस कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, तो हिम्मत मत टूटने दीजिए, सपना जो देखे हैं उसको पूरा करने का प्रयास करते रहिए। डॉक्टरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने कहा कि डॉक्टर समय पर नहीं आते थे, सहयोग नहीं करते थे, मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था, एक मैसेज दीजिए सर, आपका पूरा जीवन के हिसाब से आपने जो देखा, डॉक्टर और मरीज के बीच का संबंध, डॉक्टरों की अनिच्छा, सरकारी डॉक्टरों के प्रति जनता में भी कई बार अच्छा संदेश नहीं जाता है, समय से नहीं आते, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, तो आप एक संदेश दीजिए डॉक्टरों को। देखिए, डॉक्टरों के लिए हम यही बोले हैं कि जो सेवा हम लोग का चुना हुआ है, सर्विस टू दी मैनकाइंड, सर्विस टू दी गॉड, तो अगर हम उस आदमी से अच्छे से पेश आएंगे, पुराने जमाने में कहावत था कि डॉक्टर साहब अगर अच्छा से बात कर लिए तो आधा बीमारी खत्म हो जाता है, तो हमारा अगर बिहेवियर चेंज करें, हम मरीजों के प्रति को समझें कि मरीज है वो,
उनके दुख तकलीफ को अगर हम अपने आत्मसात करें तो वो सफल हो जाएंगे। वो आप नहीं भी इलाज करते हैं, हल्का भी इलाज करते हैं, उनको लगेगा कि पूरा इलाज हो गया, पूरा इलाज। और ऐसे में डॉक्टरों के लिए और एक चीज़ बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन और वो पंक्चुअलिटी जो है ना, वो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए कि आप कहते हैं कि हम आधा घंटा ही तो लेट आए, लेकिन आप कभी कभी देखे होंगे कि गोली लगाओ मरीज आ गया और जल के मरीज आ गया और वो करहा रहा है और वहाँ डॉक्टर नहीं है। तो ऐसे स्थिति में उसके लिए एक सेकंड ही काफ़ी है। एक सेकंड में वह तो वो मर जा सकता है, एक सेकंड में लाइफ भी आप केयर कर सकता है। दूसरी है कि आप अगर पूरा कोशिश किए उसके बावजूद मर गया तो उसमें डॉक्टर की बदनामी नहीं होती है, डॉक्टर का नहीं होता है कि वो नेग्लिजेंसी प्रूफ हुआ। लेकिन आप नहीं आए तो ज़रूर यह हो जाता है कि डॉक्टर साहब रहते तो हमारा मरीज बच जाता। इसलिए हम डॉक्टरों को, यहाँ के डॉक्टरों को भी ऐसे हम निर्देश तो अब नहीं दे सकते रिटायरमेंट के बाद, लेकिन हम अपने बड़े भाई के नाते सबको प्रार्थना करते हैं कि मरीजों के प्रति जरूर ही वो संवेदनशील होना चाहिए कि वो उनकी क्या, क्यों आया यहाँ, उसकी क्या परेशानी है, उसके परेशानी को दूर करने के लिए हम ही यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे भी भगवान का रूप ही डॉक्टर को कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर जीवन देता है, स्वास्थ्य को सही करता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपको बहुत सारी बातें आपने बताई अपने जीवन की, आपको डॉक्टर के रूप में जो चुनौतियाँ आई उनकी, जनता के बारे में आपने जनता को मैसेज दिया, विद्यार्थियों को मैसेज दिया, डॉक्टरों को मैसेज दिया, सारी बातें हो गई। और अपनी तरफ से आप कुछ और कहना चाहेंगे तो आप? और आप सबका धन्यवाद इतना आज इंटरव्यू लिए कि आप, हम ऐसे तो यहीं रहेंगे, हम मुलाकात होते रहेगी, यहाँ के लोगों को सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। ये थे डॉक्टर एनके रजक जी, इनके छात्र जीवन से लेकर के इनके सेवा कार्य, डॉक्टरी जीवन और चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में तमाम चुनौतियां, संघर्ष और विकास की यात्रा हमने सुनी। डॉक्टर साहब आगे की प्लानिंग बना करके भी जा रहे हैं कि सदर अस्पताल को और भी संवारना है। उम्मीद है आप सबने काफ़ी कुछ सीखा, समझा और जाना होगा। आज की परिचर्चा को यहाँ विराम देते हैं, लेकिन आप सब चैनल को अधिक से, डेली न्यूज झारखंड चैनल को अधिक से अधिक देखें, सब्सक्राइब करें और इंटरव्यू हो या कोई भी प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डेली न्यूज झारखंड आपका अपना चैनल है। कैमरामैन महताब आलम के साथ मैं शीतल विश्वकर्मा, डेली न्यूज झारखंड।